everyone welcome to analyst IES. so in editorial of the day series today we are going to discuss the article no short circuits so this article is given on the editorial page of the hindu newspaper and relevancy of this article is with gs paper 3 so before starting the discussion i want to inform you that polity foundation course for 2023 and ethics crash course for mains 2022 are about to start in our institute by nitin shivhari For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about short circuits in electric vehicles. So let's start the discussion. जैसा कि आप सबको पता ही है कि electric vehicles में बहुत ज़्यादा accidents हो रहे हैं. कई सारे electric vehicles में आग लग रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन vehicles में जो batteries use की जा रही है, वो lithium ion की batteries use की जा रही है, और अगर आप चाहते हैं कि इन लिथियम आयन की बैटरीज में शॉर्ट सर्किट ना हो या एक्सीडेंट ना हो तो उसके अंदर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी लेकिन आपको पता ही होगा कि रिसेंट टाइम में एक हॉर्ड लग गई है कॉस्ट को कम करने की कि, कि कितने कम टाइम में कितने कम प्राइस पर हम मार्केट में एक स्कूटर ले आएँ तो आगे इस आर्टिकल में दो टेक्निक्स का नाम मैंशन है शॉडी इंजीनियरिंग एंड कटिंग कॉर्नर अप्रोच तो इनमें ये इंश्योर किया जाता है कि स्कूटर बनाते वक्त के लिथियम आयन की जो बैटरीज हैं उनमें शॉर्ट सर्किट ना हो लेकिन इन दो टेक्निक्स शॉर्ट इंजीनियरिंग एंड कटिंग कॉर्नर अप्रोच को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा क्योंकि इससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो जल्दबाजी के चक्कर में और कॉस्ट कम रखने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंश्योर करनी है कि शॉर्ट सर्किट ना हो उन चीजों को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट स्कूटर्स में आग लग रही है इवन हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये तक कह दिया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रिकॉल कर लिया जाए नहीं तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन लाने पड़ेंगे अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की वजह से कंपनी वालों या आम आदमी को नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया ज़ीरो एमिशन की तरफ जाने वाला था उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे जहां पर हम ग्रीन हाउस गैसेज का इमेशन कम करना चाह रहे थे और साथ ही हम डीज़ल एंड पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में नए नए स्टार्टअप्स आएंगे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जब गवर्नमेंट इन व्हीकल्स को रिकॉल करने का कह रही है और रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की बात कर रही है तो इंडस्ट्री में ये मैसेज आता है कि गवर्नमेंट अभी सपोर्टिव नहीं है और एज अ रिज़ल्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस कम होने लगते हैं तो जो कंपनीज अपने प्रॉफिट या मार्केट एक्वायर करने के चक्कर में चेक्स एंड नॉर्म्स को प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं या फॉलो नहीं कर रही हैं तो उस चक्कर में इंडिया का फ्यूचर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो भी शेवी होता जा रहा है तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस मैटर में एक पॉलिसी लाने की जरूरत है जिसमें ये मेंशन हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते वक्त कौन कौन से सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना मैंडेटरी है तो ये था हमारा आज का आर्टिकल नो शॉर्ट सर्किट्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज थैंक यू